आज हम एसयू कार्बोरेटर के बारे में पढ़ेंगे। एसयू कार्बोरेटर, देखिए मेनली कार्बोरेटर दो प्रकार के होते हैं, जो हमारे होते हैं कंस्टेंट वेंचुरी टाइप, और होता है दूसरा हमारा होता है कंस्टेंट वैक्यूम टाइप। कंस्टेंट वेंचुरी टाइप में जो हमारा फ्यूल होता है, दबांतर के कारण मेन जेट के थ्रू वेंचुरी पर पहुंचता है। और इसके जो एग्जाम्पल जैसे हैं, सोलेक्स कार्बोरेटर है, कार्टर कार्बोरेटर है, जेनिथ कार्बोरेटर है, और दूसरा होता है हमारा कंस्टेंट वैक्यूम टाइप कार्बोरेटर। इसमें क्या होता है, कंस्टेंट वैक्यूम टाइप में क्या होता है, एयर का जो फ्लो होता है, यहाँ से एयर का फ्लो होता है, क्या इंजन के गति के फलस्वरूप स्वतः ही अपने आप क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। तो आज हम एसयू कार्बोरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेनली क्या होता है, एक टेपरित निडिल का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये टेपरित निडिल है ये, और ये क्या होता है, हमारा जो फ्यूल चैम्बर है, ये फ्लोट चैम्बर जिसको बोलते हैं, जिसमें पेट्रोल भरा है, ये इससे जो में जेट गई है उसी में डूबा रहता है ये। और इसका टेपरित, इस टेपरित निडिल का संबंध क्या होता है कि ये पिस्टन से जुड़ा होता है। पिस्टन से जुड़े होने का मतलब कि ये पिस्टन क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा नीडिल भी इसके साथ ऊपर जाएगा। और यहाँ पे लगा होता है इसमें पेट्रोल, पेट्रोल भरा इस नीडिल के माध्यम से, इसमें जो पेट्रोल रहता है वो भरा रहता है, जो क्या करता है इंजन के फ्लटरिंग जो होता है, फड़फड़ाहट जब हमारा क्या होता है, ये पिस्टन अप एंड डाउन करता है इस विभिन्न गतियों पर, तो क्या होता है पिस्टन में फड़फड़ाहट, फ्लटरिंग जिसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, वो होता है, उसको कम करता है। इसके लिए या तो हम ये पेट्रोल कार्य कर देता है, लेकिन अगर बड़ी उसके जगह हम दूसरा एक हाइड्रोलिक जो होता है, हाइड्रोलिक जो लिक्विड होता है हमारा फ्लूड, उसका भी प्रयोग करते हैं, जो इसकी डैम्पिंग को कम करता है। तो आइए दोस्तों, इसके आज हम इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम देखिए यहाँ से एयर का फ्लो दिखाया गया है, एयर का फ्लो दिखाया गया है, यहाँ पे है हमारा ये थ्रॉटल वाल्व लगा हुआ है, और ये होता है मिक्सिंग चेम्बर। क्या होता है कि सर्वप्रथम क्या होता है हमारा, ये इसमें लगी होती है कंप्रेशन स्प्रिंग। कंप्रेशन स्प्रिंग क्या होती है, पिस्टन के ऊपर जाने के फलस्वरूप क्या होती है, ये सिकुड़ती है यानी दबती है, कंप्रेस्ड होती है। और इसके ठीक ऊपर हमारा एक लग रहा था चूसक डिस्क, जिसको सक्शन डिस्क के नाम से जानते हैं, और यहाँ हमारा मिक्सिंग चेम्बर होता है, ये लगा होता है हमारा एक फ्यूल जेट होता है, और दूसरा हमारा यहाँ पे इसके कंट्रोल करने के लिए जेट कंट्रोल लीवर लगा रहता है। इसके लिए क्या होता है, एक हमारा यहाँ एडजस्टेबल नट लगा रहता है, एडजस्टेबल नट का प्रयोग आइडलिंग सिस्टम के लिए किया जाता है। क्या होता है, आइडलिंग सिस्टम में हमको मिक्सचर को तैयार करने के लिए, एक फ्यूल मिक्सचर को सामान्य तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आइडलिंग के थ्रू हमको यहाँ पे फ्यूल पहुँचाना होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस लीवर एडजस्टमेंट जो स्क्रू लगा है, इसको क्या करेंगे, लीवर को उठाएंगे तो क्या होगा, ये जो है हमारा जेट बना है ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के फलस्वरूप क्या होगा, पेट्रोल का यहाँ से हमारा फ्लो बना रहेगा। इसमें देखिए क्या होता है, जब ये हमारा थ्राटल वाल्व क्या होता है, ओपनली होता है, मतलब खुला रहता है, थ्राटल वाल्व ओपन रहता है, यानी इंजन हमारी हाई स्पीड पर रहती है, तो क्या होता है, ये देखिए हाई स्पीड पर होने के फलस्वरूप क्या होता है, हमारा ये तो वेंचुरी है, और ये हमारा पिस्टन, हाई स्पीड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सक्शन का प्रेशर बढ़ेगा, ये इनलेट मैनिफोल्ड है जो सिलेंडर में, जब सक्शन होगा तो इसका सक्शन प्रेशर जब बढ़ेगा, सक्शन प्रेशर बढ़ने के फलस्वरूप क्या होगा, ये हमारा पिस्टन ऊपर उठना शुरू कर देगा, और ऊपर उठने शुरू कर देगा, और इसी से संबंधित हमारा क्या है, ये टेपर्ड नीडिल जो लगा है, ये देखिए टेपर्ड नीडिल एक संबंधित 24 का अनुपात होता है इन लोगों में इनमें, और ये हमारा जो होता है पिस्टन, जो होता है पिस्टन देखिए एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है, और जो टेपर नीडिल है पेट्रोल के फ्लो को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, देखिए पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा, पिस्टन के ऊपर जाने के फलस्वरूप देखिए एयर का फ्लो का जो हमारा ये है क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, या एयर हमारा यहाँ से भी जाने लगेगा ये ऊपर जब जाएगा तो। और ये टेपरित नीडिल क्या होता है, टेपरित नीडिल जैसे ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इसका धीरे 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 क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, कम है, इसका मतलब है कि ये जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा इसका, और यहाँ से फ्यूल हमारा है जेट के माध्यम से
ज़्यादा मात्रा में जाएगा। एक बात और क्या होता है इसमें, जो ये जब ये पिस्टन ऊपर उठता है तो क्या होता है, कंप्रेशन जो हमारी स्प्रिंग लगी है वो दबती है, तो ये हमारा एक पैसेज है, इसके थ्रू भी एयर जाता है, एयर जाता है और यहाँ से मिक्सिंग होते हुए, अब जैसे ये हमारा खुल गया पूरा थ्राटल, अगर खुल जाए तो सक्शन प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इस निडिल के माध्यम से जो चढ़े फ्यूल है इसके माध्यम से इस पैसेज से होते हुए हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होगा आने लगेगा, क्योंकि हमको इंजन की हाई स्पीड पर क्या रिच मिक्सचर की आवश्यकता पड़ती है। उस दौरान क्या होगा, हमें रिच मिक्सचर, देखिए यहाँ एक तो यहाँ से सप्लाई कर दिए रिच मिक्सचर बनाने के लिए, दूसरा हमारा ये जो निडिल है, निडिल को हम ऊपर के पिस्टन के साथ ऊपर हुआ तो क्या, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बढ़ गया, जेट का बढ़ गया, यानी फ्यूल यहाँ का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। और अब इसका इसमें इसका हुआ मेन, इसका मेन सिद्धांत ये है, इसमें कोई भी एक्सेलरेशन पंप सिस्टम का जो सर्किट होता है या आइडलिंग सर्किट होता है वो नहीं बनाई जाती है। देखिए क्यों नहीं बनाई जाती है, देखिए एक्सेलरेशन सिस्टम इसमें खुद इतना, मतलब एक्सेलरेशन सिस्टम के लिए ये बहुत उपयोग मानी जाती है, अगर हमें गाड़ी को मतलब अचानक गति प्रदान करनी होती है तो एक्सेलरेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और एक्सेलरेशन सिस्टम में क्या किया जाता है कि जैसे हम इसको देखिए, इसको फ्लो का जैसे एक्सेलरेटर लेंगे तो ये हमारा जो थ्राटल वाल्व लगा है ये क्या हो जाएगा, हमारा सीधा हो जाएगा, यानी पूरा खुल जाएगा, यानी क्या हो एक्सेलरेशन के दौरान खुल जा रहा है, और हमारा ये तो हमारा इस रेडियो के थ्रू जब चला जा रहा है पेट्रोल, एयर फ्यूल का मिक्सचर हो जा रहा है, यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर तैयार हो जा रहा है, और इसकी भरपाई करने के लिए इस पैसेज के थ्रू हमको क्या मिल जा रहा है, एयर फ्यूल का पर्याप्त एक सामान्य एयर फ्यूल मिक्सचर तैयार हो जा रहा है। इसको ये जो हमारा फ्लोट चेम्बर है इसको साधारण हाइड्रोस्टेटिक के कारण क्या करते हैं, इसके जो है ये हमारा जो लगा है मेन जेट इसके कुछ ऊपर रखते हैं, कि ऐसा इसलिए रखते हैं कि अगर हमारे फ्लोट में क्या है यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक इसकी एच ऊंचाई अधिक है, मान लीजिए माना है हमारा फ्लोट यहाँ पे है, फ्लोट हमारा इस प्रकार है ठीक, और यहाँ से हम अगर ले रहे हैं फ्यूल की सप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक देखिए ऊंचाई बढ़ गई, ऊंचाई बढ़ने के मतलब क्या है यहाँ पे दाब ज़्यादा होगा और फ्यूल ऊपर चढ़ेगा, इस ये जो हमारा मेन जेट है इसमें फ्यूल ऊपर चढ़ेगा, इसकी स्थिति हम यहाँ दिखाएं, लेकिन ओरिजिनली क्या इसकी जो सिचुएशन होता है यहाँ पे स्थित होता है हाइड्रोस्टेटिक के कारण कि फ्यूल इसमें स्वतः ही जाए, और यहाँ पे क्या करें इसका मेन कारण ये भी है, इसका मुख्य सिद्धांत ये है कि ये जो है स्वतः एयर का जो हमारा है फ्लो स्वतः ही क्या हो रहता है कम होता रहता है अधिक होता रहता है, अधिक कम होने के कारण मैंने अभी बताया था ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने एसयू कार्बोरेटर के बारे में बताया, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सुलेक्स कार्बोरेटर का वर्णन करूँगा।